हम आए हैं राष्ट्रीय आरोग्य मेले में, जिसमें हम सौंदर्य प्रसाधन के बारे में डॉक्टर शिवकांत शर्मा जी से जानना चाहते हैं, ये क्या पद्धति है, कैसे यूज होता है, क्या काम आता है ये। नमस्कार सर, इसके बारे में मैं मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर राजस्थान से हम लोग आए हुए हैं, और हम लोगों का जो है स्टॉल लगा हुआ है सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन जो भी आपका फेस पर किसी भी तरीके का ऐसे पिंपल्स हैं या झाइयाँ हैं या ऑयली त्वचा है या ड्राई स्किन है या फिर आपका जो पिंपल्स हो जाते हैं, उन सब के लिए अलग अलग हम लोगों के प्रोडक्ट हैं और अलग अलग हमारे द्रव्य हैं, उनको हम चूज करके और लोगों पर प्रयोग करवाते हैं और यहाँ उनको जानकारी दे देते हैं। जानकारी देने के बाद में जो भी लाभान्वित जो भी हमारे रोगी होते हैं लोग होते हैं वो अपने घरों पे जा करके इसका प्रयोग करते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग ये देखते हैं कि भाई किस तरीके की स्किन है। घरों पे जाके करते हैं तो क्या आप लोग उनको पूरी प्रोसेस बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करना है या फिर कोई आपके प्रोडक्ट्स हैं? नहीं, पूरी हम प्रोसेस बताते हैं उनको, उनको द्रव्यों के बारे में बताते हैं, द्रव्यों के नाम बता देते हैं और उसके बाद में वो अपने अपने घरों में जा करके इसको फॉलोअप करते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्या है कि डाइजेशन का बहुत महत्व रहता है। अगर आपका पाचन सही रहता है तो चेहरे पे ग्लो भी रहता है, ऑयली स्किन नहीं होती है, ड्राई स्किन नहीं होती है। तो हम उनको एक तो खान पान के रूप में, दिनचर्या के रूप में, है ना, आहार विहार के रूप में, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, दिनचर्या, इनके बारे में हम बताते हैं। उनको हम प्रेरित करते हैं कि आप इस तरीके का पौष्टिक भोजन करें जिससे आपके क्या है कि संपूर्ण जो भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इन सब की आपके शरीर में पूर्ति हो। पानी का अधिकतर प्रयोग करें, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, है ना साहब, और जो भी एक बैलेंसेड जो डाइट है उसमें प्रोटीन भी है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, मिनरल्स भी हैं, ये सब मौसमी फलों के अनुसार, है ना, मौसमी आपका सलाद, इस तरीके से हम उनको बताते हैं। पानी भी लगातार खूब उनको पीने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। उसमें जो मुख्य रूप से हमारे ऐसे लोद्र है, बचा है, मुलेठी है, मंजिष्ठा है, चंदन है, रक्त चंदन, श्वेत चंदन, घृत कुमारी है, आपका एलोवेरा है, है ना, तो इन सब का प्रयोग हम बताते हैं। इनके साथ साथ हम हनी हैं, आपका दही है, मुल्तानी मिट्टी है, दुग्ध है, अखरोट है, बादाम है, चिरौंजी है, इनको सबको अलग अलग रोगों में हम लोग इसका प्रयोग करवाते हैं और जिससे धीरे धीरे जो भी परेशानी लोगों को होती है चेहरे पे उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जा सकता है। बहुत अच्छा यहाँ लोगों में प्रोत्साहन है, देखने को मिल रहा है। और परसों 20 तारीख को 60 पेशेंट करीब थे हमारे, कल हमारे 70 पेशेंट थे। अभी कितने तारीख से और कितने तारीख तक चले? ये आपका 20 तारीख से और 23 तारीख से 4 दिवसीय है। राष्ट्रीय आयुष मेला है, भारत सरकार राजस्थान सरकार के सहयोग से ये चल रहा है। यहाँ के जो अधिकारी वर्ग हैं, यहाँ के जो भी सहयोगी वर्ग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, उनका बहुत पूरा सहयोग है हम लोगों के साथ में। जैसे हम देख रहे हैं डॉक्टर साहब, ये पीछे आपने लेप ये सब मतलब तैयार कर रखे हैं, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा हमें डिटेल में समझाएंगे कि क्या क्या है और कैसे कैसे? बिल्कुल, ये हमारी मुल्तानी मिट्टी है, इसको गुलाब जल मिला करके बनाया हुआ है। ये हमारा आपका जो क्या नाम पपीता है, पपीता का हमने मिक्स करके इसमें एलोवेरा और इसमें गुलाब जल मिला करके बनाया है। इसका क्या यूज़ होता है, इससे क्या होता है? इसको क्या है कि इससे अगर ड्राई स्किन है तो उसमें थोड़ा सा ग्लो आता है। और ड्राई स्किन के लिए है? जी जी, ड्राई स्किन के लिए है। ये जो एलोवेरा है, हाँ, एलोवेरा खीरा इसको मिला करके हमने गुलाब जल की सहायता से बनाया है। तो इसमें भी जो ड्राई स्किन है उसमें आराम मिलता है, और जो ऑयली स्किन है उसमें बेसन हम लोग तुरंत घोलते हैं और बेसन का प्रयोग करते हैं। इसमें बेसन भी है, इसमें आपका मंजिष्ठा भी है और इसमें लोद्र भी है, इन सब को मिला करके हम इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारी मुल्तानी मिट्टी है, ये जनरली दोनों में ही काम आती है, ऑयली स्किन में भी काम आती है और आपका ड्राई स्किन में भी काम आती है ना। तो अलग अलग रोगों में हम अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग करते हैं और धीरे धीरे लगातार जब व्यक्ति घर पर इसका प्रयोग करता है तो उसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। विशेष करके हमने देखा कि यहाँ पे पेशेंट्स भी जी, आप कर जी रहे हैं, इनका भी कर रहे हैं, तो जी क्या क्या आपने यूज़ किया है, क्या लगाया? तो इसमें हमने पहले तो क्या है कि जीरे के पानी से इसको धोया था, वास करवाया था, उसके बाद में इसमें एलोवेरा जीरे के पानी से एक तो एंटीसेप्टिक तरीके से ये काम करेगा और दूसरे जो रोम कूप है उनको धीरे धीरे वो खोलता है, उनको
अलग अलग जी, उसके बाद में फिर हम लोग अपना फेस पैक लगाते हैं। तो इसमें लोद्र, मंजीट, रक्चंदन इनका हमने प्रयोग किया है और इनको घर के लिए भी हम सजेस्ट करेंगे कि आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग कुछ सैंपल्स भी इनको दे रहे हैं घर? सैंपल्स तो नहीं है, बस हम वैसे ही लिख करके दे देते हैं जिससे वो घर पे, हम लोग सब यहाँ डेमोस्ट्रेशन के लिए करते हैं, सैम्पलिंग का भी नहीं है। धीरे धीरे आगे हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग धीरे धीरे सैंपल भी उपलब्ध कराएँ। सर धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये हैं डॉक्टर साहब जिन्होंने सौंदर्य प्रसादन के बारे में पूरा हमें जानकारी दी राष्ट्रीय आरोग्य मेले में। धन्यवाद।